जब कोरोना वायरस स्टार्ट कर गई उसमें ना सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो है हमारे पास है कि ये अनवेलप्ड वायरस है, आरएनए वायरस है। अब आरएनए वायरस में ऑलमोस्ट ऑल आरएनए वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट द रियो वायरस, वो डबल स्ट्रैंडेड है। इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है, हेलिकल इन स्ट्रक्चर है, अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड ये ऑलमोस्ट ऑल आरएनए वायरसेस अनसेगमेंटेड होते हैं एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंजा और रोटा वायरस। इसके अलावा इसका लार्जेस्ट जीनोम है और ये सोलर कोरोना है। इसका सन लाइक अपेयरेंस है तो इसको सोलर कोरोना कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी फोर प्रोटीन्स हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें फोर प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले फॉस्फोगाइनेटेड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। अब न्यूक्लियोकैप्सिड है ना, वो आरएनए और ये इस प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, इसमें एन प्रोटीन है। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। और स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जो है इसके स्ट्रक्चर से ना कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, उनको कहते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स की जो प्रोटीन होती है वो उसको कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा एक फोर्थ प्रोटीन है, उसको कहते हैं, ये ह्यूमन कोरोना वायरस में होती है, एचई ग्लाइकोप्रोटीन। इसका जो है ये हीम एग्लूटिनेशन करती है और एसिटाइन एस्ट्रेज है। तो चार प्रोटीन है, फॉस्फोगाइनेटेड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड एचई ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, अब जो रेप्लिकेशन है ना, रेप्लिकेशन जो है इसकी ये साइटोप्लाज्म में होती है और इसके रिसेप्टर्स जो हैं ये के कहाँ पे जाके ये कोरोना वायरस अटैच हो गया है। तो जो ह्यूमन कोरोना है उसका रिसेप्टर है अमाइनोपेप्टिडेज एन, और सार्स कोविड जो था उसका था ACE2, और मर्स कोविड का जो था वो डाइपेप्टिडाइन पेप्टिडेज 4 CD26। ये इनके रिसेप्टर्स थे ह्यूमन जो सेल्स थे उन पे। अच्छा, इसके अलावा जो अब का COVID-19 है इसका भी जो रिसेप्टर है ये ACE2 ही है। अच्छा, अब जो रेप्लिकेशन में जो फर्दर होता है वो ये है कि अटैचमेंट टू रिसेप्टर, पहला जो काम है वो होता है कि अटैचमेंट टू रिसेप्टर, वो किसके थ्रू होती है अटैचमेंट, एस जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है या फिर जो हीम एग्लूटिनेशन ग्लाइकोप्रोटीन है उसके थ्रू होता है। और उसके बाद जो है पहली बात है अटैचमेंट, इनके थ्रू हो गई है। फिर इंटरनलाइजेशन है, इंटरनलाइजेशन इज बाय एंडोसाइटोसिस। फिर जो है साइटोप्लाज्म में जाके अनकोटिंग हो गई है उसकी, और अनकोटिंग के बाद जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वायरस का जो आरएनए है वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज होगा। ये पॉजिटिव सेंस आरएनए है, तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज होगा। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्दर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। अब ये इस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है इसकी, तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसके आगे जो स्ट्रैंड बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसकी नेगेटिव सेंस वो स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड बन गया। अब जो ये जो है माइनस सेंस, ये जाके फर्दर टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट काम कर रहा है, ठीक है। इससे आगे फर्दर बन गए हैं तो ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट जो है बेसिस आके लगेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर से पॉजिटिव, ये जो ओरिजिनल था ये वाला बन जाएगा। तो ये है कि इट सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर 5 to 7 सब जीनोमिक mRNA। तो हमारे पास फिर से वो जो ओरिजिनल mRNA है उसकी सिंथेसिस हो गई है। अब ये जो है ये mRNA सिंथेसाइज हुआ, ये इंटरेक्ट करेगा विद एन प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में पड़ी है उनके साथ टू फॉर्म में न्यूक्लियोकैप्सिड, जो मैंने यहाँ पे कहा कि आरएनए और एन प्रोटीन मिलके न्यूक्लियोकैप्सिड बना रहे हैं। तो ये एमआरएनए इंटरेक्ट विद द एन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोकैप्सिड, और फिर उसके बाद जो लास्ट में इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि बड थ्रू द ईआर एंड गोंगजी अपरेटस। और जैसे ये बडिंग करता है तो ईआर और गोंगजी अपरेटस का जो है वहाँ से इनवेलप, उसकी मेम्ब्रेन से इनवेलप अपना ले लेता है। और अब इनमें जो है इसमें रेप्लिकेशन के प्रोसेस में देयर आर मेनी म्यूटेशंस इनमें होती हैं और रिकम्बिनेशंस होते हैं, मेनी असॉर्टमेंट्स रिकम्बिनेशन, इन सब की वजह से जो है न्यू वैराइटीज़ फिर आती हैं। तो ये जो है ये सारे रेप्लिकेशन है। सबसे पहले अटैचमेंट टू रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए किस किस में कौन से हैं। फिर इंटरनलाइजेशन है, अनकोटिंग है, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस है, और फिर इसकी जो है ये आगे ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, नेगेटिव सेंस बना रहा है, माइनस सेंस। और फिर माइनस सेंस से जो है वो सर्व एज टेम्पलेट, ये आगे से सर्व एज टेम्पलेट, उस जो है ट्रांसक्रिप्शन जब हो गई है नेगेटिव सेंस बन रहा है, नेगेटिव सेंस है वो टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा है। फिर दोबारा से एमआरएनए बना गया, फिर एमआरएनए इंट्रैक्ट कर रहा है एन प्रोटीन के साथ जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, और न्यूक्लियोकैप्सिड बना गया, फिर बडिंग थ्रू ईआर और गोंगजी ऑपरेटर्स और एनवेलप फॉर्मेशन है, ये हो गया इसकी रेप्लिकेशन। अब पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस ये है कि 50% जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो कैरियर होते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज को।
और ये जो है ना, ये है डॉपमेट बॉर्न डिजीज है ये, ठीक है, ये एयरबॉर्न नहीं है, ये डॉपमेट बॉर्न है। और ये इनमें जो है ट्रॉपिज्म फॉर एपिथीलियल संग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी ट्रैक्ट ज़्यादा जो है ना ये जाके अटैच करते हैं रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में, ज़्यादा अफिनिटी इनकी ये है। इसके अलावा जो है कोरोना लोकलाइज भी हो सकता है या फिर डिसेमिनेटेड भी हो सकता है। आगे से जो इनकी जो स्पेसिफिक डिजीज़ है वो आगे जाके बताती हूँ। अब उसके अलावा जो सार्स कोविड था, ये जो है ये सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस कर रहा है, निमोनिया कर रहा है। और जो है ये 2002 में 2003 में इसका आउटब्रेक हुआ था इंडो चाइना, और ये जो है बैट से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा था, बैट से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा है, और न्यूमोनिया विद एडिमा कॉज करता है। अब ऑब्वियसली ये ACE2 इनहिबिटर्स के साथ जाके अटैच करता है, तो फिर जो है एडिमा होगा। और इसके अलावा जो मर्स कोविड था वो बैट और कैमंग्स उसके रेजर्वायर्स थे, और ह्यूमंस में ये ट्रांसफर होगा था, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो है। और ये जो है ये हमारे पास जो है एंटेरिक ट्रैक्ट रिलेटेड TGEV जो है, ये एंटेरिक ट्रैक्ट जो है ट्रांसमिसिबल जनरल एंटेरिक ट्रैक्ट वायरस है। ये जो है ये GIT मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बस ये पैथोजेनेसिस है। आगे जो इसका ट्रांसमिशन है दैट इज ड्रॉपलेट बॉर्न, और जो है ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, आगे से जो है ना इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फाइंडिंग में एक जो है जो जनरल क्लिनिकल फाइंडिंग है उसमें हमारे पास है कि ये जो है सोर थ्रोट होता है, जो जनरल फाइंडिंग्स है कि कॉमन कोम्ड है, रनी नोज है, सोर थ्रोट है, फीवर है, फटीग है, मंगेस है, ड्राई कफ है, इस मसल स्पैज्म है, मसल पेन है, मायंगजियाज, इस तरह के ये सारे जनरल सिम्टम्स, ये मैंने जी से कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड जो इन्फेक्शन वो सारा, अब इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या होता है कि एटिपिकल न्यूमोनिया हो रहा है, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया हो रहा है, एयर स्पेस कंसोलिडेशन, लंग जो एक्सरे है उसमें जो है ये एयर स्पेस कंसोलिडेशन नज़र आती हैं, और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी नज़र आती है। अब हमने कहा कि न्यूमोनिया विद अडीमा होता है, अब न्यूमोनिया विद अडीमा है तो डिस्निया होगा, हाइपोक्सिया होगा, ये सारे जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन है, जैसे एटिपिकल न्यूमोनिया हो गया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया हो गया, अडीमा हो गया, हाइपोक्सिया, एयर स्पेस कंसोलिडेशन, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी वगैरह, ये सब इसमें नजर आती है। फिर जो ब्लड वेसल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है ना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इसमें हमारे पास आते अच्छा जो सर्कुलेटरी रिलेटेड है ना, उसमें हमारे पास इम्यूनिटी वैसे मैंने दिया कि डिक्रीज, देयर इज डिक्रीज इन इम्यूनिटी। ऑब्वियसली हम जब इम्यून सेल्स हैं वो कम्बैट कर रहे हैं इस वायरस को, तो जो है फिर इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन होती है, जगह जगह पर सर्कुलेटरी उसमें सिस्टम में माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, अब ऑब्वियसली हमारे पास जो है प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, क्योंकि वो जो है माइक्रोथ्रोम्बाई में वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गए, तो जो जनरल सर्कुलेशन में प्लेटलेट की कमी हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, न्यूकोपिनिया हो रहा है, उसकी वजह से जो है डिक्रीज प्लेटलेट की वजह से जो है पर्पुरा हो रहा है, तो ये जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड इसकी मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, अब जो है कि लैब डायग्नोसिस में जो है नोज स्वैब और उसके थ्रू जो हम करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये डिटेक्ट वायरल आरएनए, ये सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर रहा है PCR। इसके अलावा जो है IgM IgG कर सकते हैं इनके, उसको राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर। अच्छा, इसके अलावा जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो है डी डाइमर एंड FDP। ये जो है डी डाइमर जो है और FDP जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, ये हम अगर इनका राइजिंग लेवल है तो ये बायोमार्कर है फॉर डिजीज सिवियरिटी एंड मोर्टैलिटी। अगर ये इनका ज़्यादा अमाउंट में है तो डिजीज इज मोर सिवियर और मोर्टैलिटी ज़्यादा है इसमें भी। अच्छा, उसके अलावा जो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी सिवियरिटी को ही बताती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है अग्नि जो है अगर पॉजिटिव आ गई है तो ये अगर अग्नि सिम्टम्स में अग्नि जब डिजीज़ शो हो गई है तो अगर पॉजिटिव आ जाती है CRP जो है तो वो लंग नियन की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा जो इंटैरिक ट्रैक्ट रिलेटेड है उसमें हम स्टोन स्पेसिमेन ले सकते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके अलावा एलाइजा है एंटी, इफ एंटी सीरम इज
ग्रेटर एंटी सीगम अभिगम तो अंगाइजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनडायरेक्ट इम्यूनोफोमोगेसेंस ऐसे कर सकते हैं, हीम एग्लूटिनेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, IgM, IgG जो एंटीबॉडी टाइटर, राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर है, डी डाइमर, FDP, और इसके अलावा जो है ना प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस वो ये चेक करने के लिए होते हैं कि क्वैगनेशन पे जो क्वैगनेशन डिसऑर्डर्स है उनके लिए, जो इससे रिलेटेड क्वैगनेशन डिसऑर्डर्स है उनको चेक करने के लिए होते हैं। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन का कर सकते हैं, डायरेक्ट के स्टोन स्पेसिमेन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो यही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव, PCR, IgG वगैरह, डी डाइमर एंड FDP और एंगाइजा। इसके बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट जो है ना ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसमें जो है हम सिर्फ रेमडेसिविर दे सकते हैं, ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को देते हैं, और रेमडेसिविर प्लस डेक्सामेथासोन जो हम दे रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट को दे रहे हैं, साथ में उनको जिनको ऑक्सीजन सप्लीमेंट थेरेपी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लीमेंट थेरेपी जो है जिसमें हम अगर इन्वेसिव मेजर्स से कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लीमेंट थेरेपी, तो रेमडेसिविर के साथ डेक्सामेथासोन दे रहे हैं। और अगर सिर्फ हॉस्पिटल पेशेंट है एंड डजेंट नीड द ऑक्सीजन थेरेपी तो उसको हम रेमडेसिविर दे रहे हैं, लेकिन जिसको साथ में ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए विद इन्वेसिव जो है मेथड्स उसके साथ हम डेक्सामेथासोन देते हैं इसके रेमडेसिविर के साथ। इसके अलावा जो सारी इसकी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है।